देखिए आजकल एक और खबर है जो चर्चा का विषय बनाया हुआ है। जयंत चौधरी अखिलेश के साथी बने रहेंगे या फिर भगवा लहर के साथ चलेंगे, और इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश हर कोई इस वक्त कर रहा है। जयंत के हाल फिलहाल के कुछ फैसले इसी बात का संकेत दे रहे हैं कि जयंत ने मौसम की फिजाओं को पहचान लिया, और उधर जल्द ही एनडीए में शामिल हुए ओपी राजभर ने दावा कर दिया है कि 12 फरवरी को जयंत चौधरी एनडीए का हिस्सा बन जाएंगे। और अब अखिलेश कह रहे हैं कि उनको उम्मीद है कि जयंत समझदारी से फैसला लेंगे, यानी लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक की हलचल ने अखिलेश को बेचैन तो कर ही दिया है। अखिलेश ने जयंत को 7 लोकसभा सीट देने का ऐलान किया था, लेकिन आखिर ऐसी कौन सी वजह है जो जयंत बीजेपी की तरफ से महज 4 सीटों के ऑफर पर मानते नजर आ रहे हैं। यूपी की सियासी फिजाओं में सबसे ज्यादा चर्चा है इन दिनों जयंत चौधरी की। सुख बुगाहट बहुत तेज है कि जयंत चौधरी अखिलेश से अलग होकर एनडीए में जा सकते हैं। हालांकि सपा के तमाम नेता तो इसका खंडन कर रहे हैं, लेकिन राम गोपाल यादव का कहना है कि जयंत के जाने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। डिंपल कह रही हैं कि जयंत कहीं नहीं जा रहे। अखिलेश कह रहे हैं कि जयंत सही फैसला करेंगे, लेकिन आरएलडी की तरफ से कहा जा रहा है कि जयंत चौधरी जो फैसला लेंगे पूरी पार्टी उनके साथ है। पहले इन नेताओं के स्टेटमेंट सुन लीजिए, फिर आगे की खबर बताएंगे। जयंत चौधरी जी बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, राजनीति को वो समझते हैं। मुझे उम्मीद है कि किसानों की लड़ाई और उत्तर प्रदेश की खुशहाली की तरफ जो संघर्ष चल रहा है, उस लड़ाई को वो कमजोर नहीं होने देंगे। जयंत को मैं अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत सेकुलर लोग हैं, और ये देखिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मीडिया के माध्यम से भ्रमित किया जा रहा है, तो वो कहीं नहीं जा रहे। वो मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन में रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। मैं नहीं मानती कि जो आरएलडी के जो मौजूदा जो नेता हैं जयंत चौधरी जी, जो राज्यसभा मेंबर भी हैं, वो इस तरह का कोई कदम उठाएंगे जिससे सीधे किसानों को क्षति पहुंचेगी। पिछली बार भी ऑफर किया गया था, इस बार भी किया गया है, लेकिन वो 4 सीट की बात कर रहे हैं, लेकिन हमने 12 लोकसभा सीटों पर तैयारी की है, तो इस बात का निर्णय तो हम लेंगे कि हम किसके साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। इस पार्टी में कोई भी अगर कुछ बोलता है तो बिना समाजवादी पार्टी के मुखिया के आदेश के नहीं बोल सकता, इसलिए किसी भी प्रकार के बयान के लिए मैं श्री अखिलेश यादव जी को जिम्मेदार मानता हूं। अगर किसी के बयान से वो सहमत नहीं है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें। कि विपक्षियों ने ठाना है 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, कुछ लोग सट के करेंगे, कुछ लोग हट के करेंगे। नीतीश जी सट गए, अभी सटने वाले हैं, और कुछ लोग इंडिया गठबंधन से हटने वाले हैं, तो हट करके और सट करके लोग मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने की लड़ाई में सब लोग सहयोग कर रहे हैं, और निश्चित है कि जयंत जी के आने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पार्टी एनडीए मजबूत होगा। दरअसल संकेत ऐसे हैं जो ये बता रहे हैं कि जयंत चौधरी का मन डोल रहा है, कारण भी समझ लीजिए। जयंत ने सभी विधायकों को विधानसभा में मौजूद रहने को कहा। 12 फरवरी को चौधरी अजीत सिंह की प्रतिमा अनावरण का कार्यक्रम रद्द हुआ। जयंत ने छपरौली में कार्यकर्ता मीटिंग कैंसिल की। सूत्रों का दावा है कि बुधवार देर रात अमित शाह से जयंत चौधरी की दिल्ली में मुलाकात हुई, हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि फिलहाल नहीं है। वैसे जयंत और अमित शाह की मुलाकात 8 महीने पहले भी हुई थी, तब से लेकर अब तक क्या हुआ वो आपको बताते हैं। 8 महीने पहले अमित शाह से जयंत की मुलाकात हुई। शाह ने जयंत को पार्टी विलय करने को कहा। पार्टी विलय करने की बात जयंत चौधरी ने ठुकरा दी। 20 दिन पहले एक केंद्रीय मंत्री ने पहल की। जयंत चौधरी ने मुलाकात में 2 शर्तें रख दी। पहली शर्त ये कि पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिले, और दूसरी ये कि योगी मंत्रिमंडल में आरएलडी विधायकों को जगह मिले। सूत्रों की माने तो बीजेपी जयंत को 4 सीट देने पर सहमत है। कहा जा रहा है कि अमरोहा, मथुरा, कैराना, बागपत सीट आरएलडी को मिल सकती है। एक तरफ बीजेपी जयंत को अपने पाले में लाकर पश्चिमी यूपी में मजबूत होना चाहती है, तो दूसरी ओर हरियाणा में बीजेपी ने तय किया है कि वो 10 की 10 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी, जेजेपी को कोई सीट नहीं देगी।
दरअसल बीजेपी को लगता है कि अगर जयंत चौधरी बीजेपी के साथ आ गए तो पश्चिमी यूपी के साथ साथ हरियाणा में भी वो मजबूत हो जाएगी। अब हर किसी की नजर 12 फरवरी पर है कि 12 फरवरी को जयंत चौधरी क्या फैसला लेते हैं।